बालों के प्रॉब्लम के लिए रेमेडी की खोज आज आपकी खत्म होगी एक आसान सा घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ जिसे आप सिर्फ एक मिनट के लिए दो दिन यूज करके इससे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है बाल लंबे घने होने के साथ साथ बालों के झड़ने की समस्या भी दूर होती है कम उम्र में मगर बाल सफेद हो रहे हैं उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है कहा जाता है अगर रेगुलर यूज किया जाए तो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि नए बाल भी आने लगते हैं। एक मिनट का ये प्रोसेस तो बताऊंगी ही साथ ही दो और तरीके बता रही हूँ जो भी तरीका आपको इजी लगता है यूज करके जरूर देखिएगा नमस्कार मैं पुष्पा शर्मा आप देख रहे हैं आसान घरेलू उपाय मैं एक ब्यूटिशियन होने के साथ साथ एक वैद्य हूँ इस रेमेडी को तैयार करने के लिए मैंने लिया हुआ है सरसों की खली ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाएं तो सरसों की खली का यूज बालों पे बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा इसे मस्टर्ड केक भी कहा जाता है इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फोलेट नियासिन थायमिन और बिट होते हैं, जो बालों की ग्रोथ को तेज कर देता है बालों की झड़ने की समस्या को रोकते हुए सिल की साइनी भी होते हैं तो पहले आप इस सरसों की खली को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि ये सरसों की खली मिलेगी कहाँ तो जहाँ पर प्योर ऑयल मिलता है मस्टर्ड वहीं पर आपको इजिली सरसों की खली मिल जाएगी वैसे परचेज करने के लिए लिंक ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से परचेज कर सकती हैं अब मिक्सी के हेल्प से मैं इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेती हूँ आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसका फाइन पाउडर तैयार कर सकती हैं अगर आप पहली बार चैनल पर आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं ऐसी वीडियो हमेशा देती रहती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ये मस्टर्ड केक बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए इजीली इसका फाइन पाउडर तैयार हो जाता है अगला प्रोसेस इस रेमेडी को तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर अदरक जिंजर बालों के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर देता है इसमें मौजूद फैटी एसिड विटामिन खनिज बालों के रूट्स को मजबूत करने के साथ साथ बालों की ग्रोथ को तेज कर देता है बालों के लिए मेथी सिड्स से आयरन और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है जो बालों के ग्रोथ के लिए दोनों ही चीजें काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक बड़े बर्तन में मैं ले रही हूं वन स्पून ये मेथी के सीड्स और टू स्पून के करीब मैंने लिया हुआ है देखिए यहाँ पर अदरक को जो कद्दूकस करके रखा था एक ग्लास पानी मैं डाल रही हूँ तो गैस पर आपको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर रख कर बॉयल करना है जब तक ये पानी हाफ हो जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो अगर आप इसे स्टोर करने के लिए बनाना चाहती हैं तो दो से तीन बार के लिए स्टोर करके बनाकर रख सकती है यूज कर सकती है उसके बाद नया बनाना पड़ेगा जब पानी हाफ हो जाए तो गैस को ऑफ करके इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए और इसे छान लीजिए ताकि ये पावरफुल वाटर आपको मिल जाए पहले आप इस प्रोसेस को देखिए फिर सेकेंड रेमेडी में मैं बताऊंगी कि एक मिनट के लिए आप रेमेडी को किस तरीके से अपने बालों पर यूज कर सकती हैं जो सरसों की खली का पाउडर मैंने तैयार किया था आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ही इस पाउडर को ले लीजिएगा फुल वाटर आपने तैयार करके रखा है मेथी और अदरक का इसी में ऐड करना है आप अपने जरूरत के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा एक अच्छा सा स्मूथ सा पैक तैयार करने के लिए वन आवर के लिए सप्ताह में दो बार अपने बालों पर यूज़ कीजिए एक घंटे के बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा उसके बाद आपको रिज़ल्ट अपने आप मिलने लगेंगे ही आइए देखते हैं इस सरसों की खली से हम दूसरे तरीके से रेमेडी बनाकर अपने बालों पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं जो सिर्फ़ आपको एक मिनट के लिए अपने बालों पर यूज़ करना है थोड़े से सरसों की खली को मैं ले रही और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ आप सरसों की खली अगर यूज़ करते हुए बाल ड्राईनेस के कारण बाल झड़ रहे हैं उससे भी आपको आराम मिलेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है जो आपके बालों को सिल्की साइनी भी बनाता है तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टू से थ्री स्पून के करीब यह सरसों की खली इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है इसमें ऐड करना है नींबू के छिलके मैंने यहाँ पर देखिए एक नींबू का छिलका लिया है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं नींबू के छिलकों में फॉलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर होता है जो बालों को हेल्दी बना रखता है राइस एमिनो एसिड विटामिन बी सी ई से भरपूर होता है जो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है इन सारी चीजों के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ वन स्पून चावल आप कोई भी नॉर्मली राइस का यूज कर सकती हैं। बहुत ही खास चीज वो है कॉफी पाउडर कॉफ़ी फ्लोनाइट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो हमारे बालों में सिल्की पन लाने और डैमेज हेयर को दूर करके बालों की ग्रोथ को तेज कर देता है इस रेमेडी में कॉफी पाउडर का यूज करने से ये रेमेडी आपके कम उम्र में हो रहे सफेद बालों की प्रॉब्लम से भी आपको बचा सकता है वन ग्लास पानी इसमें ऐड कीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करके इससे स्टोर करके रख दीजिए रात भर के लिए नहीं तो पाँच से छह घंटे के लिए आप स्टोर करके जरूर रखिएगा जब सुबह आप देखेंगे तो ये पानी जो इसमें मिक्स है आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो पेस्ट है बिल्कुल थिक सा हो जाएगा सरसों की खली जो होता है पानी में डालने के बाद फूलने लगता है इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए मिक्स करने के बाद इसे छान लीजिए और ये पावरफुल वाटर आपको मिल जाएगा इस पावरफुल वाटर को आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए या कॉटन के हेल्प से वन आवर के लिए अपने बालों पर सप्ताह में दो बार यूज कीजिए उसके बाद नॉर्मली से वॉश कर लीजिएगा आइए बात करते हैं उस एक मिनट के प्रोसेस का तो आप इस पावरफुल वाटर में जो भी शैम्पू अपने बालों पर यूज करती हैं उस शैंपू को ऐड कीजिए अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिनट अपने बालों पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए उसके बाद नॉर्म पानी से वॉश कर दीजिए सप्ताह में दो दिन इसे जरूर यूज कीजिएगा है ना मैजिकल ये रेमेडी आप यूज करके देखिएगा सरसों की खली आपके बालों के सारे प्रॉब्लम को दूर करते हुए बालों की ग्रोथ को तेज कर देगा आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैं मिलती हुई ऐसी वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू बाय बाय